कचेरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में मनाई गई महानवमी श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा षष्ठी से दशमी तक होती है दुर्गा पूजा। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा कचहरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में शनिवार को महानवमी का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः पुष्पांजलि, भोग आरती हुई, तत्पश्चात संधि पूजा का विशेष आयोजन किया गया। माता भक्त सीमा गांगुली ने बताया कि षष्ठी से दसवीं तक हर साल बंगाली धर्मशाला में बंगाली समाज के लोग बड़े स्तर पर माँ दुर्गा की पूजा का आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते आयोजन को वृहद रूप नहीं दिया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए भक्तों ने माता की पूजा अर्चना की है और परंपरा का निर्वहन करते हुए हाजिरी लगाई है। आज माता ने चंड मुंड राक्षसों का वध किया था, इसलिए संधि पूजा का विशेष महत्व होता है। शाम को आरती के साथ आयोजन संपन्न होगा। इस अवसर पर 108 दीप जलाकर माता की आराधना की गई। आराधना के पश्चात भक्तों में हलवे का प्रसाद बांटा गया। नवमी और दशमी को सिंदूर चढ़ाया जाएगा। इस बार कोरोना वायरस के चलते सिंदूर खेले का आयोजन नहीं होगा। आज हमारे यहाँ महाअष्टमी पूजा की गई है। सुबह प्रातः पुष्पांजलि, भोग आरती सब हुआ, उसके बाद विशेष जो पूजा है आज की वो है संधि पूजा। ये संधि पूजा एक ऐसा विशेष मुहूर्त है, 24 मिनट अष्टमी के लास्ट के और 24 मिनट नवमी के पहले, ऐसे 48 मिनट्स का ये ड्यूरेशन है। इसमें कहते हैं कि माँ दुर्गा ने चंड मुंड राक्षसों का वध किया था और इतना उन्होंने पीछे से वार किया था राक्षसों ने, तो वो बहुत क्रोधित अवस्था में थी। वो स्पेशली वो चंडमुंड का जो वध है उसी टाइम को है ये संधि पूजा, और संधि पूजा में के बाद वापस पुष्पांजलि, भोग माता को लगा है और उसके बाद शाम को आरती होगी। आज का तो यही है कार्य। दिवाली चल रही है तो उससे कैसे मतलब आप रीति रिवाज निभा रहे हैं? रीति रिवाज निभा रहे हैं जो रीति रिवाज होते हैं ना वो निभा रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि कोरोना अगर हुआ है तो माता ने या ईश्वर ने हमें ये समझा दिया है कि प्रकृति से खेलना इंसान के लिए बहुत बुरा है। हमने जो किया है उसको उन्होंने हमें समझा दिया है कि आप अपने उसमें आ जाओ, हैसियत में आप इस पृथ्वी के मालिक नहीं हो, आप इस पृथ्वी में किराएदार हो। मालिक तो वो एक ही है, वो है प्रभु। तो वो जो माता कर रही हैं पर मेरा ये विश्वास है कि इस पूजा के बाद कोरोना महामारी डेफिनेटली कम होती जाएगी और हम बहुत जल्दी माता के आशीर्वाद से इससे निजात पा जाएंगे। मिठी चटर्जी ने बताया कि राज्य सरकार के कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग पूजा में शामिल हुए हैं। मास्क लगाकर ही पांडाल में प्रवेश दिया जा रहा है। माँ दुर्गा से प्रार्थना की गई है कि जल्द से जल्द कोरोना को खत्म करे। कोरोना काल में आज पूजा करी गई है आपने? कोरोना काल में बहुत ही मुश्किल हुआ हमारे, मतलब पहले तो सप्तमी पूजा हुआ, फिर अष्टमी ला गए, उसके बाद संधि पूजा हुआ, उसके हमारे 108 दीपक जलते हैं और माता के कमल के फूल चढ़ते हैं, ये सब कार्यक्रम होते हैं बहुत ही। जो भी आता है हाँ, ये कोरोना के वजह से हम लोग बहुत ही मुश्किल से पड़े हैं। हमारे इधर भोग बांधता था, ये सभी बंद हो गया सभी, और ये सब सैनिटाइजर, मास्क, हम ये सब व्यवहार करके चल रहे हैं।